लिबरल टीवी पंजाबी देख रहे हो तुसी ते मैं हां तुहाडे नाल मनप्रीत कौर समरा। आगाज करदे हां अज दे इस बुलेटिन दा ते आ सब तो पहला नजर मारदे हां हुण तक दीआं कुछ चोणवीआं खबरां ते। तरनतारन दे विच वड्डी वारदात, अणपछाते व्यक्तियां ने विशाल मेगा मार्ट दे शीशे तोड़ चलाईआं गोलियां। टिकरी बार्डर ते अंदोलन च गए पिंड वल्लों दे किसान दी भेत भरे हालातां दे विच मौत, किसान दा अद्धा सिर वड्डिया होण कारण कतल दा प्रगटाया जा रिहा शक। मुंबई के हस्पताल लगी अग, दो दी मौत, 70 तो वध कोरोना के मरीज सन हस्पताल दे विच दाखल। नजायज संबंधा के शक च पति ने पत्नी का किया कतल, रात में संस्कार करके अस्थियां दरिया दे विच मुकाईयां। सवेरे 6 बजे तो लैके शाम 6 बजे तक भारत बंद, एमरजेंसी सेवावां छड़ सारियां सहूलतां होणगियां बंद। श्रीनगर के लावेपुरा के अतवादी हमला, CRPF के 2 जवान शहीद, 2 होए जख्मी। दिल्ली नूं यमुना तो पानी की सप्लाई बहाल होवे, सुप्रीम कोर्ट के वलों आदेश जारी। संसद का बजट इजलास अणमिथे समय के लिए होया मुलतवी। सड़क हादसे ने उजाड़िया हस्ता खेड़ का परिवार, 1.5 साल की धी के सने मां की हुई मौत। हुण खबर विस्थार के नाल। तरन तारण के SSP की रिहायश के सामने विशाल मेगा मार्च, 25 अणपछाते व्यक्तियों के वलों दिन दिहाड़े अन्ने वाह गोलियां चला दित्तियां। दस दईए कि यह गोलियां मामूली तकरार तो बाद चलिया सन ते अणपछाते व्यक्तियों के वलों गुस्से च आके जिथे शोरूम के शीशे तोड़ दिए गए उत्थे ही उन्होंने वलों हवाई फायरिंग भी की गई। तो फायरिंग की आवाज़ सुन के इलाके के लोगों के विच दहशत फैल गई। तो इस मामले की जाँच करते हुए पुलिस ने घटना वाली थां ते CCTV कैमरे की फुटेज में कब्जे के लैके मुलजमान की भाल करनी शुरू कर दी है। तो अगलेरी कार्रवाई उन्होंने वालों शुरू कर दी गई है। उधर खेती कानूनों के खिलाफ चल रहे मोर्चे के शामिल पिंड वालों बठिंडा के किसान हाकम सिंह की टिकरी बार्डर से शकी हालातों के मौत हो गई है। मौत का कारण हाले तक पता नहीं लग सकिया, पर मृतक किसान का अद्धा सिर वड्या होने कारण कतल का शक भी प्रगटाया जा रहा है। वेरवियां के मुताबिक तुहानू दस दईए कि अज भारतीय किसान यूनियन सिद्धपुर के कारकुन इस किसान की बहादुरगढ़ उपर शकी हालातों के जड़ी मौत हो गई। मृतक का सिर किसी तेज धार चीज के नाल वड्या होया सी, जिस तों बाद कतल का शक जिहड़ा हुण प्रगटाया जा रहा है। उधर मुंबई के एक हस्पताल के बीती देर रात को भयानक अग लगन के नाल 2 मरीजों की मौत हो गई। ड्रीम मॉल की 3 मंजिल से सनराइज हस्पताल के अचानक अग लग गई। अग लगन की सूचना मिलते ही मौके के उत्ते फायर ब्रिगेड दी गड्डियां जिहड़ियां पहुँच गई। अधिकारियों ने दसिया कि 2 व्यक्तियों की जिहड़ी मौत हो गई है। तो हस्पताल 70 तो ज़्यादा कोरोना के मरीज दाखिल सन, जिन्होंने उतों कढ़ लिया गया। तो उधर तरन तारण के पिंड सकियावली के एक व्यक्ति ने नजायज संबंधा के शक के अपनी पत्नी का कतल कर दिता। इन्ना ही नहीं, रात के समय उसका संस्कार करके अस्थियां ते राख ब्यास दरिया के रोड़ दित्तियां। जो जसविंदर सिंह नूं हिरासत के लैके सख्ती के नाल पुछगिछ की गई तो उसने कबूल किया कि वह अपनी पत्नी ते शक करता सी ते उसदे नाल उसका जिहड़ा संबंध किसी के नाल सी, जिस कारण उसने अपनी पत्नी की हत्या करके उसका संस्कार कर दिता ते अस्थियां ते राख ब्यास दरिया के छोड़ दित्तियां। थाना वैरोवाल की पुलिस ने मुलजम को गिरफ्तार करके अगलेरी कार्रवाई शुरू कर दी है। उधर अज भारत बंद है, 12 घंटिया के लिए सवेरे 6 बजे तो लैके शाम 6 बजे तक भारत बंद रहेगा। किसानों के वलों यह सद्दा दिता गया सी, जिसनों अज सवेर तो ही समर्थन मिल रहा है। वक्त थावां ते तुहानू दस दईए किसान इकट्ठे हुए ने, एमरजेंसी सेवावां छड़ के सारिया सहूलत बंद रहनगियां, नाल ही एंबूलेंस से रोक नहीं होगी ते मेडिकल स्टोर जिहड़े खुले रहेंगे। दस दईए कि किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो दूजे पासे किसानों की हमायत दे विच अज SGPC अदारे भी बंद रहेंगे। उधर श्रीनगर के लावेपुरा इलाके के विच अतवादियों ने वीरवार शाम सड़क से पेट्रोलिंग जड़े कर रहे CRPF के जवानों से फायरिंग कर दी। इस मौके तुहानू दस दईए इस दे नाल CRPF का एक जवान जिहड़ा घटना वाली थान से शहीद हो गया, जबकि 3 होर जख्मियों को हस्पताल भर्ती करवाया गया। इन्हां दे विचों एक दी हालत गंभीर बनी हुई सी। इलाज के दौरान गंभीर रूप नाल जख्मी हुए जवान भी शहीद हो गया, तो जिस तों बाद यह माहौल जिहड़ा होर बिगड़ता दिखाई दे रहा है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा ते होर नाल संबंधित धिरां नूं यमुना तो दिल्ली नूं मिलदा पानी की सप्लाई नूं भलक तक पहलां वांग यकीनी बनाउण दी हदायत की है। सर्वोच्च अदालत ने यह हुक्म दिल्ली जल बोर्ड के वलों दायर अर्जी से सुनवाई करदे किया है। जल बोर्ड ने हरियाणा सरकार नूं यमुना दे विच बिना सोतिया पानी छड्डन तों रोकण ते कौमी राजधानी के लिए दस दईए कि लोड़ींदा पानी छड्डन संबंधी हदायतां जारी करके
हदायतां जिहड़ियां जारी करन दी मंग कीती सी ते चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े दे वल्लों अगवाई वाले बैंच ने हरियाणा पंजाब ते भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड नूं नोटिस जारी करदे शुक्रवार तक जवाब दाखल करन दे लई आख्या है। उधर संसद के दोवां सदना जिहड़े ने सदना दे विच लोकसभा ते राज्यसभा च बजट सैशन की कार्रवाई अज अनमिथे समय दे लई जिहड़ी कि मुलतवी कर दित्ती गई है। बजट सैशन की शुरुआत 29 जनवरी नूं होई सी ते इह 8 अप्रैल तक जारी रहनी सी, पर कई मैंबरां ने लोकसभा के प्रधान ओम बिरला नूं सैशन समय से पहला खत्म करन दी अपील की तां जो होर 5 राज्यां दे विच हो रहियां विधानसभा चोणां दे वल ध्यान दे सकन। ओम बिरला ने कोरोना पॉजिटिव पाए जाण दे कारण उह सदन की कार्रवाई दे विच नहीं जिहड़े शामिल हो सके। इस सैशन च 17 सरकारी बिल पेश किए गए तो इन्हां चों कुछ पास किए गए ने ते इस तरह राज सभा की कार्रवाई भी अज अनमिथे समय के लिए मुलतवी जिहड़ी उह कर दित्ती गई है। उधर सिरसा रोड से रामदित्ते वाला कैंचिया नेड़े होए एक सड़क हादसे च कस्बा जोगा की मां धी की मौत हो जाने की खबर जिहड़ी उह सामने आई है। इस हुए दर्दनाक हादसे के कारण नगर के विच मौतम छाया होया। जानकारी के अनुसार यह हादसा कार ते ट्रक की टक्कर के नाल मंगलवार की शाम जिहड़ी समय से वापरिया ते हादसे के दौरान महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जदों की जेरे इलाज बच्ची की भी अज मौके पर मौत हो गई है। सो ये सन हुण तक दीआं कुछ खास खबरां। नवीआं ते ताज़ा खबरां दे नाल फिर तो तुहाडे रूबरू होवांगे। हुण मैनूं दिओ इजाजत, उदों तक दे लई जुड़े रहो लिबरल टीवी पंजाबी दे नाल। लोकां दी आवाज़, लोकां नूं।